This is my channel Smart Medical Study. I am Arish Fatma, and in this lecture we will discuss the difference between spasticity and rigidity. First I'm looking at difference. What is the difference? Spasticity is a condition which leads to an abnormal increase in the muscle tone. इसमें क्या होता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, इंटरफेयरिंग विद द मूवमेंट एंड स्पीच. स्पीच और मूवमेंट में भी मतलब वो एबनॉर्मल हो जाती है, जो कि इंटरफेयर करती है मूवमेंट और स्पीच के साथ. दिस इज कॉल्ड स्पास्टिसिटी. और उसमें क्या होता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है. रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी इज़ ए कंडीशन ऑफ मसल्स करेक्टराइज बाय द इनएबिलिटी टू रिलैक्स नॉर्मली. मसल मीन्स मसल कंट्रैक्ट तो हो जाते हैं मगर उनको रिलैक्स नहीं हो सकते, वो इनएबल होते हैं टू रिलैक्स नॉर्मली. स्पास्टिसिटी इफेक्ट ऑफन एंटागोनिस्टिक मसल ग्रुप्स. एंटागोनिस्टिक मीन्स जो अपोजिट मसल होते हैं उनमें इफेक्ट करती है मोस्टली. एंड रिजिडिटी अकर इन बोथ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर मसल. और ये दोनों मसल, चाहे हमारे फ्लेक्सर्स हों आर्म के, लेग्स के, या एक्सटेंसर्स हों, दोनों को इफेक्ट करती है इक्वली. स्पास्टिसिटी इज ए सिम्टम ऑफ क्रोनिक अपर मोटर न्यूरॉन लेजन. ये किसकी वजह से होती है? अपर मोटर न्यूरॉन लेजन की वजह से होती है. वाइल द रिजिडिटी वी सी इन द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनिजिया होता है उन पेशेंट्स के अंदर, और मोस्टली ए ओल्ड एज की ये डिजीज़ है. स्पास्टिसिटी इज करैक्टराइज बाय द सडन इंक्रीज इन मसल टोन ऑकरिंग एट ए थ्रेशोल्ड वेलोसिटी एंगल और एम्पलीट्यूड. इसमें क्या होता है, मसल टोन सडन इंक्रीज हो जाती है. रिजिडिटी इज करैक्टराइज बाय हाई मसल टोन्स रिमेन्स थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट. इसमें क्या होता है कि मसल टोन तो इंक्रीज होती है मगर वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन एक ही जैसी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है, वाइल जबकि स्पास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता. स्पास्टिसिटी डिपेंड ऑन बोथ एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी. स्पास्टिसिटी एम्पलीट्यूड वेलोसिटी स्पीड पे दोनों पे ही डिपेंड करती है, वाइल द रिजिडिटी इज नॉट डिपेंड ऑन बोथ एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी. स्पास्टिसिटी में क्या होता है, प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन देन द अदर. इसमें क्या होता है कि वन डायरेक्शन में तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी मगर अपोजिट डायरेक्शन में मे बी इतनी रेजिस्टेंस ना हो. जैसे हम फ्लेक्शन करवाते हैं एक्सटेंशन लेग्स की, लोअर लिम की, तो उसमें हमें एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी और दूसरी में इतनी ज़्यादा नहीं होगी. वाइल रिजिडिटी में क्या होगा, सेम रेजिस्टेंस इन ऑल द डायरेक्शन. हम जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएंगे सेम रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी. स्पास्टिसिटी को हम इज आल्सो नोन एज क्लैप्स नाइफ स्पास्टिसिटी कहते हैं. वाइल रिजिडिटी, रिजिडिटी को कॉकविल रिजिडिटी एंड लेट पाइप रिजिडिटी भी इसमें, मतलब इसकी टाइप्स में इंक्लूड है. स्पास्टिसिटी इफेक्ट एंटी ग्रेविटी मसल्स एंड टिश्यूज, जो कि हमारी वेट बेरिंग करवा लेते हैं, लोअर लिम के एंटी ग्रेविटी मसल्स, उनमें इफेक्ट करती है. रिजिडिटी इफेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ मसल्स, ये हर किस्म के मसल्स पे इफेक्ट करती है. स्पास्टिसिटी की बात की जाए, इज ए सिम्टम ऑफ क्रोनिक अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स. अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स में ये स्पास्टिसिटी मोस्टली स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखने को मिलती है. वाइल रिजिडिटी इज ए सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज में हमें रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनिजिया, इस किस्म के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. स्पास्टिसिटी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, स्पीड पर डिपेंड करती है, वाइल द रिजिडिटी इज वेलोसिटी इनडिपेंडेंट. स्पास्टिसिटी में हम देखेंगे हाइपरफ्लेक्सिया, जो हमारे हाइपरफ्लेक्सिया, इसके अंदर रिफ्लेक्सेस हमारे इंक्रीज होंगे, वाइल द रिजिडिटी देयर इज द हाइपोरिफ्लेक्सिया. स्पास्टिसिटी में हमें क्लोनस देखने को मिलेगा, वाइल रिजिडिटी देयर इज नो क्लोनस साइन. क्लोनस में क्या होता है कि जब हम कोई मूवमेंट वगैरह करवाएंगे तो उसमें जो है उसके मूवमेंट करवाने के बाद भी जो है वो हम मसल्स की उस वहाँ की मूवमेंट देखेंगे, नी में, एंकल में. स्पास्टिसिटी में क्या होता है, देयर आर एब्सेंस ऑफ ट्रेमर्स, वाइल द रिजिडिटी देयर आर ए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटिक ट्रेमर्स. इसमें हम ट्रेमर्स देखेंगे. स्पास्टिसिटी टू टाइप्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटन रिलेटेड स्पैज्म, फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी एंड एक्सटेंसर स्पास्टिसिटी. वाइल रिजिडिटी में क्या होगा, कोकफील रिजिडिटी एंड लेट पाइप रिजिडिटी की ये दो टाइप्स इसमें प्रेजेंट होंगी. स्पास्टिसिटी में हाइपरटोनिया होगा, टोन इंक्रीज होगी, वाइल द रिजिडिटी देयर इज हाइपोटोनिया, टोन क्या होगी,
डिक्रीज होगी। क्रोनिक अपर मोटर न्यूरॉन लेजन एरिया 6 लेजन्स, इनकी वजह से होगी रिजिडिटी पार्किंसनिज्म डिजीज में हम देखेंगे, और अदर बेजल गैंग्लिया लेजन्स। पार्किंसनिज्म में भी क्या होता है, बेजल गैंग्लिया में लीजन होता है, तो ये इन डिजीज़ में हम रिजिडिटी देखेंगे। स्पास्टिसिटी इंक्रीज इन द गैमा एक्टिविटी इन द केस ऑफ स्पास्टिसिटी, वाइल इन रिजिडिटी देयर इज इंक्रीज अल्फा एंड गैमा एक्टिविटी। स्पास्टिसिटी जो है वो यूनि डायरेक्शन में होगी, मैंने बताया कि वन डायरेक्शन में रेजिस्टेंस होगी, अदर में इतनी नहीं होगी, वाइल इन केस ऑफ रिजिडिटी ऑल ऑल द डायरेक्शंस में हमें क्या दिखेगी, रेजिस्टेंस देयर इज बाई डायरेक्शनल। स्पास्टिसिटी अकम्पनाइड विद मोटर वीकनेस, वाइल इन केस ऑफ रिजिडिटी देयर इज नो मोटर वीकनेस, मीन्स के स्पास्टिसिटी में हमें मोटर वीकनेस देखने को मिलेगी और रिजिडिटी में देयर इज नो मोटर वीकनेस। स्पास्टिसिटी लेजन अकर इन द पैरामिडल ट्रैक, लेजन्स कॉमनेस्ट वहाँ का होगा इंटरनल कैप्सूल में, वाइल इन केस ऑफ रिजिडिटी अकर इन बेजल गैंग्लिया लेजन सो कॉल्ड एक्स्ट्रा पैरामिडल रिजिडिटी, ये है पैरामिडल ट्रैक में होगी। स्पास्टिसिटी की बात की जाए, रिजिडिटी जो है वो स्ट्रेच सेंसिटिव होगी, एंड इन केस ऑफ रिजिडिटी देर इज नॉट स्ट्रेच सेंसिटिव। बोथ आर ट्रीटेड विद द इंट्राथिकल पम्प, इसमें क्या होगा, हम स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जो हम मेडिसन्स दे सकते हैं उसमें इंजेक्ट करके, ओके, ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इंट्राथिकल पम्प के ज़रिए इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर, आई डेफिनेटली श्योर दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।